रादौर के गांव गुमथला राव स्थित देश के अपनी तरह के इकलौते इंकला मंदिर में शहीदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर इंकला मंदिर की टीम ने शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम में एशियाड श्रवण पदक विजेता शेर सिंह मलिक ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर शेर सिंह मलिक ने कहा कि इंकला मंदिर राष्ट्र के मानचित्र पर अपनी पहचान बना रहा है और वह दिन दूर नहीं जब देश नहीं दुनिया से शहीद प्रेमी अपनी श्रद्धा के पुष्प अर्पित करने इंकला मंदिर पहुंचेंगे। इंकला मंदिर ने देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपनी पहचान बना ली है और अब वो दिन दूर नहीं कि देश के ही नहीं विदेश के भी जो इंकलाब मंदिर को चाहने वाले हैं वो समय समय पर अपने पुष्प अर्पित करने यहाँ पहुंचेंगे। और जो समय समय की सरकारें नहीं कर सकी, मैं पूरे जोर लेकर कहना चाहूँगा, जो समय समय की सरकारें नहीं कर सकी वो इंकलाब मंदिर की टीम ने कर दिखाया है। वहीं इंकलाब मंदिर के संस्थापक एडवोकेट बरियाम सिंह ने कहा कि देश की आजादी के लिए वीर क्रांतिकारी शहीदों एवं क्रांतिकारी वीरांगनाओं ने अपनी कुर्बानी और त्याग और बलिदान दिया था। आज सरकार को श्रद्धांजलि स्वरूप वीर शहीदों एवं क्रांतिकारी वीरांगनाओं को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा देना चाहिए। सही मायने में यही इन वीर शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारे देश के वीर शहीद शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव ने हंसते हंसते हमारी आजादी के लिए अपने आप को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था। हम आज उन वीर शहीदों को अपनी श्रद्धा के पुष्प अर्पित करने आए हैं, यह हमारा सौभाग्य है। और देखिएगा, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि जिन वीर क्रांतिकारियों ने, जिन क्रांतिकारी वीरांगनाओं ने निस्वार्थ अपने प्राणों की आहुति देकर के कुर्बानी, त्याग और बलिदान देकर के अपने खून से इस देश की धरती को सींचा था, उन्हें संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा दे करके भारत देश में सच्ची श्रद्धांजलि दें। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इंकलाब मंदिर, जो अपने आप में देश का एक लौता इंकलाब मंदिर है, मैं उसका संस्थापक हूं और आज शहीदी दिवस पर मैं अपनी श्रद्धा के पुष्प अर्पित करने आया हूं। मैं आपके माध्यम से भारत देश की जनता से भी अनुरोध करता हूं कि वीर शहीदों और क्रांतिकारी वीरांगनाओं को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा देने की जो मांग उठाई है इंकलाब मंदिर ने, आप पुरजोर इसका समर्थन करें और यह मांग हमारी केंद्र सरकार के समक्ष पहुंचा करके इसे पूर्ण करने का कार्य करें। यह वीर शहीदों और क्रांतिकारी वीरांगनाओं को भारत देश में हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स।